हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पोर्क पाई में बन रहा है मज़ेदार सा स्टेक। आपने गोश्त को इस तरीके से काट लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक, लहसुन हमने लिया है और चॉप जिंजर हमने डाली है 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑरिगानो। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद इसमें नमक ऐड किया है और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं सोया सॉस के। इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम एक सॉस तैयार करेंगे जो हम स्टेक के ऊपर से डाल के सर्व करेंगे। उसके लिए ऑयल लिया है और 1 चॉप अनियन ली है, 1 बड़ी प्याज ली है उसे चॉप कर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चॉप गार्लिक। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 प्याली चिली गार्लिक सॉस, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ऑरिगानो। 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। जब ये थिक हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे चूल्हा और 1 टेबल स्पून डाल देंगे बटर। इसको गार्लिक राइस के साथ सर्व करेंगे। इसके लिए बनाएंगे गार्लिक राइस, लिया है ऑयल और उसमें डाला है 1 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून इसमें डाला है चॉप गार्लिक। 1 चिकन क्यूब मैंने इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है। चावल को मैंने पहले से सोख होने के लिए रख दिया था। मैंने 1/2 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं। इसमें डालेंगे 1 कप पानी और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे नमक। इसको पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने ग्रीन पार्ट यूज़ किया है। इसको हल्के हाथ से ऊपर नीचे करेंगे ताकि चावल टूटे ना। उसके बाद इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे। राइस तैयार हो चुके हैं। अब एक पैन में हमने लिया है ऑयल, उसमें डाला है 1 टेबल स्पून बटर। अब हम अपनी वेजीज को सौते करेंगे जो हम स्टेक के साथ सर्व करेंगे। 1 कैप्सिकम मैंने लिया है जिसको लंबाई में काट लिया है और मैंने 1 प्याज ली है जिसको रफली मैंने कट किया है। अब डाला है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टमाटर लिया है, उसके सीड्स निकाल लिए हैं, उसको लंबाई में काट लिया है। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाला है 1 टेबल स्पून बटर। अब हमने स्टेक को फ्राई करेंगे। इसको शैलो फ्राई करना है। जब शैलो फ्राई हो जाएगा तो इसे राइस और वेजीज के साथ सर्व करेंगे। सॉस इसके ऊपर से डाल देंगे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।